हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मैं हूं अमित, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद अमित। और ये है फ्रेंड्स हमारी कानपुर ट्रिप का लास्ट एपिसोड, जिसमें हमारी रिटर्न जर्नी होगी कानपुर टू लखनऊ विद ऑल डिटेल्स। और ये प्रॉपर मोस्ट डिटेल्ड वीडियो होगा यूट्यूब पे कानपुर से लखनऊ का। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने यहीं तक का आपको दिखाया था, और आप देख सकते हैं अभी हम गंगा जी के ब्रिज पे हैं, जाजमऊ ब्रिज। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं हमारे इस ट्रिप के, लखनऊ टू कानपुर और कानपुर सिटी का थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको दिखाया था, तो आप आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ट्रैवल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की जर्नी। सो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं, हमारा जो लखनऊ कानपुर हाईवे है, कानपुर लखनऊ हाईवे NH 27 है। तो ये हमारा नेशनल हाईवे 27 है, और यहाँ पे एक टोल पड़ेगा, तो वो मैं उसकी प्रॉपर डिटेल आपको बताऊँगा। और जितने भी यहाँ पे आपको कस्बे या सिटीज़ मिलेंगे रास्ते में, वो सारे डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और प्रॉपर्ली इन्जॉय करिए हमारा वीडियो, और डिजिटल जर्नी करिए हमारे साथ कानपुर से लखनऊ के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा रोड ख़राब है, थोड़ा सा जो ब्रिज पे भी रोड ख़राब था, और उसके बाद भी थोड़ा सा रोड ख़राब है, और आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं अभी रोड अच्छी हो गई है आगे से, और हम उन्नाव की तरफ चल रहे हैं यहाँ से। तो उन्नाव होते हुए लखनऊ जाएंगे, बाकी भी और छोटे छोटे पॉइंट्स पड़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की 4-लेन रोड आपको प्रॉपर लखनऊ तक मिल जाती है। एंड अभी फ्रेंड्स हम पहुँचने वाले हैं, देखिए, शुक्लागंज और लालगंज के लिए जो एग्ज़िट है। तो शुक्लागंज हमारा उन्नाव की तरफ लेफ्ट साइड में है, और लालगंज रायबरेली की तरफ राइट साइड में है। तो लालगंज होके आप रायबरेली भी जा सकते हैं। तो रायबरेली के मैंने आपको आते समय बताया था बहुत सारे एग्जिट्स हैं यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड वाला शुक्लागंज के लिए, ये राइट साइड रायबरेली, एंड लेफ्ट साइड में शुक्लागंज के लिए एग्जिट है। ट्रांस गंगा सिटी भी आप इधर ही से जा सकते हैं, और देख सकते हैं अभी हम आगे चलते हैं एंड देखते हैं आगे कहीं पर अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर इसके लिए रुक चुके हैं लंच के लिए, और थोड़ा सा वही रिफ़्रेशमेंट टाइप का लेना था, तो थोड़ी देर यहाँ पे चाय पी के एंड कुछ हल्का सा लेके चलते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स थोड़ी देर हमने यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट लिया, और फ्रेंड्स थोड़ी देर एक्चुअली यहाँ पे 15-20 मिनट लग गया। तो अभी मुझे थोड़ा सा काम भी है लखनऊ पहुँच के, तो अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे जल्दी पहुँचना होगा, तो दिखाता हूँ मैं आपको। 15-20 मिनट लग जाता है। ये प्योर वेज ढाबा था, शुक्ला ढाबा, आपको शुक्लागंज एग्जिट के बाद मिल जाएगा। तो आप भी देख सकते हैं, अगर आप प्योर वेज रेस्टोरेंट, वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको कहीं पे भी, इस रूट पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, एक्सप्लोर विद अमित ऑफिशियल नाम से पेज है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी हम आगे आ चुके हैं, और ये हमारा उन्नाव रायबरेली का एग्जिट है। तो लेफ़्ट साइड में ये एक्चुअली उन्नाव का ही एरिया है जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं। तो उन्नाव सिटी के लिए आप लेफ़्ट जा सकते हैं, और राइट साइड में जो आप गेट देख रहे हैं वो रायबरेली के लिए है, एंड स्ट्रेट हमारी लखनऊ रोड है। ये देखिए उन्नाव, और ये रायबरेली का, तो ये एक और रायबरेली का एग्ज़िट था, और उन्नाव में अभी हम चल रहे हैं, उन्नाव पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये उन्नाव बाईपास पे चल रहे हैं, और आगे फ्लाईओवर आएगा उन्नाव का, जहाँ से एंट्री पॉइंट है, मैंने आते समय आपको दिखाया था, अभी वापस मैं फिर दिखाता हूँ। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, ढाबे मिल जाएंगे, जिसमें कि आप अपना रिफ़्रेशमेंट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और 24 आवर्स यहाँ पर सब रहता है खुला। काफ़ी बिजी रोड है, आप देख सकते हैं UPSRTC की बसेस भी काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी इस रोड पर। तो ये फ्रेंड्स, अभी हम देख सकते हैं आप उन्नाव पहुंच चुके हैं, एंड सामने हमारा फ्लाईओवर है उन्नाव का। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि UPSRTC की बहुत सारी बसेस इस रूट पे आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए, ये हमारा उन्नाव के लिए एग्जिट था लेफ्ट साइड से। तो रेलवे क्रॉसिंग से रेलवे क्रॉसिंग भी है, और उन्नाव के लिए भी एग्जिट है यहाँ से फ्लाईओवर से। और जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, लखनऊ हमारा ये कानपुर लखनऊ हाईवे NH 27, यहाँ पे भी जब आप फ्लाईओवर नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे भी आपको अगर चाय पीनी हो खाली, तो यहाँ पे आप चाय और थोड़ा सा स्नैक्स ले सकते हैं। ये देखिए कितना गलत गाड़ी इन्होंने काटा, मैं एक्चुअली हॉर्न देता हुआ आ रहा था, बट
अगेन वो हेडफोन्स लगाए हुए थे गाड़ी में। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग चल रहे हैं अभी, और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो ज़रूर करिए, amit.royalcruiser हमारा हैंडल है, और इस पे मैं अपने जो ट्रिप्स हैं उसकी इंस्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ, तो फॉलो करिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारा अच्छे रील्स मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स अभी हम बछरावा और पुरवा एग्जिट की तरफ आ चुके हैं, उन्नाव से आगे तो राइट साइड में ही है दोनों। ये देख सकते हैं ये रास्ता कटा हुआ है इधर से एग्जिट बछड़ावा और पुरवा के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने, मैं फिर से कहूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, और इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं मिलेगी कहीं पे भी। और देख सकते हैं आप, हमने बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं दिखाया, हर जगह को प्रॉपर कवर किया है। तो ये देख सकते हैं बीच बीच में कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है रोड का, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा डाइवर्जेंस भी मिल जाते हैं, बट ये दो तीन जगह ही है बस ओवरऑल, बाकी रोड की कंडीशन फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी है। अभी आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में कानपुर से जब चले थे तब थोड़ा सा वो था, एंड अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं बर्ड सेंचुरी नवाबगंज की तरफ आने वाले। ये हमारा रिलायंस का फ्यूल स्टेशन है, देख सकते हैं ये इस साइड में पड़ता है जब आप कानपुर से लखनऊ जाते हैं, तो ये आपको फ्रेंड्स जो रिलायंस वाला है नवाबगंज से थोड़ा पहले पड़ता है, एंड ये हमारी टैगलाइन है फॉलो द जर्नी, एक्सप्लोर विद अमित फॉलो द जर्नी। तो फ्रेंड्स अभी हम नवाबगंज बर्ड सेंचुरी पहुंच चुके हैं, राइट साइड में है बर्ड सेंचुरी, काफ़ी बढ़िया प्लेस है। और मैं एक्चुअली जब मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता था तो मैंने विज़िट किया था, तो कुछ फ़ोटोज़ ज़रूर है मेरे पास, बट डिटेल व्लॉग मैं इसका बनाऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डिटेल व्लॉग इसको पूरा कवर करूंगा प्रॉपर। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पॉन्ड्स मिल जाते हैं और बर्ड्स अलग अलग तरह की यहाँ पे आती रहती हैं, तो काफ़ी बढ़िया प्लेस है। आप एक दिन का टूर, या आप कानपुर से हों या लखनऊ से हों, आप कहीं से भी एक दिन का टूर बना सकते हैं यहाँ पे। अगर आप लखनऊ की साइड से आएंगे तो आपको टोल क्रॉस करके आना पड़ेगा, कानपुर की साइड से आएंगे तो टोल नहीं क्रॉस करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा नवाबगंज का एरिया आ चुका है, ये देखिए नवाबगंज का एरिया, ये इसके बाद हमें जो हमारा जो टोल है लखनऊ कानपुर हाईवे का वो देना पड़ेगा, तो उसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये नवाबगंज का एरिया है पूरा। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स अभी आप सामने आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि हमारा टोल प्लाज़ा आ चुका है, नवाबगंज टोल प्लाज़ा है ये लखनऊ कानपुर हाईवे का एक टोल है जो वो यही है, और यहाँ पे आपको 80 रुपीज़ का टोल पड़ेगा, बट अभी हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं तो हम क्योंकि सेम डे ही वापस आ रहे हैं तो इसलिए अभी हमें 40 रुपीज़ का ही चार्ज पड़ेगा यहाँ पर। तो ओवरऑल आपका अगर एक दिन में आप रिटर्न जर्नी करते हैं तो 120 रुपीज़ टोटल लगेगा, एंड आप देख सकते हैं हर जगह हमारा इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा। पहले जब आपने देखा होगा काफ़ी जाम लगता था यहाँ पे, मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं झांसी वाले व्लॉग्स, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं, तो झांसी टूर भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उस मतलब उससे भी पहले यहाँ पे जब कैश पेमेंट होता था और जब से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो रहा है तब से काफ़ी बढ़िया फास्टैग की वजह से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जैसे आपको बताया था एसी बसेस जनरत बस है मेरे राइट साइड में, और नॉर्मल बसेस यूपीएसआरटीसी की काफ़ी अच्छी सर्विस है लखनऊ से कानपुर के बीच में, तो अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आना चाहते हैं तो अपार्ट फ्रॉम ट्रेन बसेस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच चुके हैं सोहरामऊ, सोहरामऊ एक्चुअली उन्नाव का ही पार्ट है, और सोहरामऊ के बाद जो बंथरा पड़ेगा वो लखनऊ में आ जाता है, तो ये सोहरामऊ का है मार्केट।
तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा रोड ज़्यादा आज वो नहीं है, तो मैं थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ गाड़ी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, अभी हम एंटर करने वाले हैं लखनऊ का एरिया। और तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा मोहन का एग्ज़िट है, और मैंने आपको आते समय भी दिखाया था कि ये लेफ्ट साइड में मोहन का एग्ज़िट है। और ये मोहन, आप एक्चुअली मोहन से बांगरमऊ भी जा सकते हैं, कन्नौज के लिए भी जा सकते हैं। तो ये देखिए 20 किलोमीटर्स है यहाँ से मोहन, और 114 किलोमीटर्स है कन्नौज। और अभी फ्रेंड्स राइट साइड में हमारा मोहनलालगंज के लिए एग्ज़िट है, ये जुनाबगंज का एरिया है। तो मोहनलालगंज ये राइट साइड में आपको पड़ेगा एग्ज़िट, ये जो ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं इससे आगे जो राइट रोड जा रही है, जहाँ से ये ट्रक्स जा रहे हैं, यही हमारा मोहनलालगंज का एग्ज़िट। तो ये आपको सीधा रायबरेली रोड पे निकाल देगा मोहनलालगंज। एंड अभी हम स्ट्रेट चलेंगे लखनऊ की तरफ और दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो आप देख सकते हैं अभी हम आगे आ चुके हैं बंथरा, और ये बंथरा का पूरा बाजार है, पूरे मार्केट है बंथरा की। तो ये काफ़ी बड़ी सी मार्केट है आपको बंथरा की, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स मिल जाती हैं दोनों तरफ, और थोड़ा सा क्राउडेड एरिया है। एंड चल रहे हैं हम लखनऊ की तरफ, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी बसेस हमें रास्ते में दिखी हैं। तो ये लखनऊ रोड पे अभी हम चल रहे हैं। और फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल पे। एंड फ्रेंड्स यहाँ ये देखिए पार्थ रिपब्लिक, ये देखिए काफ़ी बढ़िया फ्लैट्स बने हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमारा नगर निगम का एरिया स्टार्ट हो जाता है, लखनऊ नगर निगम। ये पार्थ रिपब्लिक का रेजिडेंशियल भी है शायद। तो अभी हम आगे चलेंगे एंड आगे का भी दिखाते हैं आपको पूरा स्टेटस। लखनऊ सिटी एंटर कर चुके हैं हम लोग, नगर निगम का एरिया चल रहा है ये पूरा। एंड फ्रेंड्स ये दरोगा खेड़ा हम पहुंच चुके हैं अभी, ये दरोगा खेड़ा की मार्केट है। और अभी ये किसान पथ का क्रॉसिंग है, जो अभी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखिए ये राइट साइड में रायबरेली रोड से आ रहा है, एंड लेफ्ट साइड में हरदोई रोड की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं, नादरगंज का एरिया पहुंचने वाले हैं हम लोग। और पूरा ये देख सकते हैं लखनऊ तक का एरिया, और सिटी बसेस भी खड़ी हैं, स्कूटर इंडिया। और अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है आगे, हज हाउस। तो ये देख सकते हैं आगे से, ये लेफ्ट साइड में हज हाउस है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और राइट साइड में आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये हमारा एयरपोर्ट की बाउंड्री है, एंड इसके उस साइड में रनवे है। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं फ्लाइट का टेक ऑफ और लैंडिंग देखने के लिए। और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, जो तो अडानी ग्रुप ने लिया हुआ है, और उसको कंस्ट्रक्शन चल रहा है काफ़ी। एंड फ्रेंड्स ये अमौसी एयरपोर्ट के लिए एग्जिट है आगे से, ये लेफ्ट साइड में हमारा नादरगंज का एरिया था। और ये देख सकते हैं यहाँ से मेट्रो भी अंदर जा रही है एयरपोर्ट के लिए, जो मेट्रो की लाइन जा रही है, और यहीं से राइट साइड में आप एयरपोर्ट के लिए अंदर जा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा अमौसी का मेट्रो स्टेशन है, अमौसी का। और इसके बाद जो स्टेशन मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो एयरपोर्ट के अंदर ही पड़ता है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन। और इस तरफ जो हम जिधर जा रहे हैं वो चारबाग और मुंशी पुलिया तक जाती है मेट्रो की लाइन लखनऊ की। तो ये देखिए मैप में भी आप देख सकते हैं। एंड अभी
अभी हम शहीद पथ का एग्ज़िट, ये देखिए राइट साइड में शहीद पथ का, यहाँ से एंट्री एग्ज़िट आप ले सकते हैं, और यहाँ से शहीद पथ से आप रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड और अयोध्या रोड की तरफ जा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट नगर का मेट्रो स्टेशन है, और आगे से आरटीओ ऑफिस का जो एग्ज़िट है, आरटीओ ऑफिस जाने के लिए आप जा सकते हैं आगे से। और एक लाइन जो मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड वाली जो लाइन है ये मेट्रो का जो डिपो है, तो ये मेट्रो के डिपो में जा रही है, और जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो चारबाग और मुंशी पुलिया की तरफ जा रही है। देखिए इधर लेफ्ट साइड में मेट्रो का डिपो है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस होता है मेट्रो का। ये देखिए दोनों जो लाइन है लेफ्ट साइड में, तो अभी आगे चलते हैं। ये देखिए मेट्रो का एंट्री पॉइंट ऑफिस है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए किया का सर्विस सेंटर है पुरानी चुंगी के पास। और फ्रेंड्स हम लखनऊ पहुंच चुके हैं, और आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड ऐसे ही हमारे साथ डिजिटल जर्नी करिए और मुस्कुराइए कि अब आप लखनऊ में। गुड बाय।